हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कबीर के फूडीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार रेसिपी जिसका नाम है चिकन चंगेजी। बहुत ही इजी स्टाइल में बताऊंगा और बहुत ही शानदार बनने वाली है, तो चैनल छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया है। मैं इसको अब मैरिनेट करूंगा और आपको बताता हूँ कि मैं मैरिनेशन में क्या क्या डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा दही। दही मैंने लिया है 300 ग्राम। दही के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पूरा नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो मेन डिश बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। और इसमें मैंने एक ये पाउच है एवरेस्ट मीट मसाला, जो कि चिकन मसाला होता है, ये मैंने इसमें पूरा 1 किलो के अंदर डाला है। ये बहुत छोटा वाला पैकेट है, 5 रुपीज का आता है ये। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा बड़ा वाला पैकेट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने कलर ऐड किया है ताकि चंगेजी वाला हमको फील आए। और हम इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, हमने काफी अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अगला प्रोसेस फॉलो करूंगा। इसमें मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद हम इसमें गरम करके हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 250 ग्राम प्याज लिए हैं और ये 8 से 10 मैंने टमाटर काट लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। 5 से 6 हरी मिर्च और ये 50 ग्राम अदरक जो कि मैंने साबुती रखी है, और ये 50 ग्राम लहसुन, वो भी मैंने साबुती इसमें डाल दूंगा। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाऊंगा, सिर्फ ये नरम हो जाए इतना पकाऊंगा। ये अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगा और नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूंगा। तो दोस्तों, हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे के लिए हमने रखा था इसे। अब हम इसे ऐसे ही गैस पर चढ़ा देंगे और इसका जो पानी है वो पूरा सूखने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसका ये जो पानी है, इसका पानी पूरा सूखना चाहिए। तब तक ये सूख रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका था, अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर एकदम इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए, हमारा पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है और हमारा पानी भी देखिए धीरे धीरे सूखने लगा है हमारे मैरिनेशन चिकन का। इसी के साथ हम दूसरा स्टेप भी फॉलो कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने करीब 300 ग्राम्स मैंने इसमें ऑयल लिया है और ऑयल को मैं अच्छे से गर्म करूंगा हाई फ्लेम पर। तो दोस्तों, जब आप ये मसाला जो पेस्ट हमने बनाया था ये इसमें हम ऐड करेंगे। जब आप ये पेस्ट इसमें डालें तो जो फ्लेम है वो एकदम कम कर दें, नहीं तो ये मसाला ऊपर छलकेगा। और अच्छे से धीरे धीरे मसाले को ऐड करें आप ऑयल में। अब वापस से हम फ्लेम को अच्छे से तेज कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। हम 2 से 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चिकन है वो काफी पानी सूख चुका है इसका, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसे रख देंगे साइड में। और देखिए, हमारा जो मसाला है वो काफी बॉयल हो रहा है। हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि जो इसके छींटे उड़ रहे हैं वो हमारे ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि टमाटर और प्याज का जो पानी है वो इसके बुलबुलों में से निकलता है। तो आप ढककर पकाएं। ये देखिए, हमारा चिकन भी काफी एकदम रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसके अंदर डालेंगे येलो पेपर, लौंगी मिर्च जो होती है वो डालेंगे, वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ली है। अच्छे से मिक्स करूंगा इसे मैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें डालूंगा हरा धनिया पाउडर, ये भी मैंने 3 चम्मच लिया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। डिश हमारी बहुत शानदार बनने वाली है दोस्तों। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ही, क्योंकि दोस्तों ये जो मसाला है चंगेजी का, इसको हमें अच्छे से बुनाई करनी है। और इसमें स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दूंगा। इसकी बुनाई हमें करनी है करीब 15 से 20 मिनट के लिए, हमें इसे कंटिन्यू बुनाई करते जानी है। क्योंकि देखिए, इसका ऑयल अभी ऊपर नहीं आया है। जब इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हमें हमारे जो मसाला है चिकन चंगेजी का वो अच्छे से भुन चुका होगा। ये देखिए, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ढककर, नहीं तो हमारा मसाला देग में लग जाएगा, चिपक जाएगा और जले की स्मेल आएगी। तो इसलिए हमें ढक ढक कर और बीच बीच में इसे चलाते रहना है।
तो दोस्तों हमारा मसाला काफ़ी भुन चुका है, इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है और लाजवाब खुशबू आ रही है। तो जो हमारा जो मैरिनेट चिकन जो हमने बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पर। हमारा चिकन 90% कुक हो चुका है, 10% हम इसे और कुक करेंगे। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक फ्लेवर आएगा, काफ़ी अच्छा टच मिलेगा इसके टेक्सचर को, बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने लगा है हमारा चिकन चंगेज़ी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा क्योंकि काफ़ी मसाला गाढ़ा हो रहा था और थोड़ा सा ये चलाने में दिक्कत आ रही थी और हमारा मसाला भी थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, तो पानी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए इसमें, आप कितना इसको थिक रखना चाहते हैं और कितना हल्का रखना चाहते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है, मसाला एकदम दानेदार मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है इसका यार, बहुत ही शानदार चंगेज़ी हमारा बन के तैयार होने वाला है। तो दोस्तों मैं इसमें डालूंगा लास्ट स्टेज पे कोकोनट का पाउडर, मैंने 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसके ना भी डालें तो भी चलेगा, मैंने मसाले की कंसिस्टेंसी को और बढ़ाने के लिए, टेक्सचर को और बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किया है। और मैंने 1 शिमला मिर्च के पीसेस करके ये भी मैं इसमें डाल दूंगा, इससे भी बहुत अच्छा मसाला जो है वो एनहेंस होगा, इसका जायका बहुत अच्छा निकल के आएगा। लास्ट में मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और हमारा जायका और बढ़ जाएगा मसाले का। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार ऑयल आ चुका है, कितना दानेदार मसाला है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही इजी स्टाइल है, बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं है और एकदम होटल जैसा आपको चंगेज़ी खाने को मिलेगा। तो प्लेट में निकाल लेते हैं इसे खाने के लिए, ये देखिए दोस्तों लाजवाब लग रहा है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार रेसिपी है चिकन चंगेज़ी, जो हम होटलों में खाते हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा चिकन कितना अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत हमारी चिकन चंगेज़ी और बहुत ही जायकेदार हमारी चिकन चंगेज़ी बनकर रेडी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और दोस्तों ये एकदम होटल स्टाइल में बनी है, बहुत ही शानदार लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मेरे चैनल के बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली जो बहुत ही शानदार रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ।